किया था और आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए कई सारे मॉडल दिए गए हैं। मैं बेसिकली यहां पे दो मॉडल को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, दो मॉडल को डिस्कस करूंगा। एक हमारा डैनली और डैम्सन ने सैंडविच मॉडल दिया है, दूसरा आप जानते हो कि सबसे जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल ये बताता है कि लिपिड का जो बाई लेयर होता है वो प्रोटीन के बीच में सैंडविच होता है। जैसे मान लो कि अगर हम ऊपर में ये प्रोटीन का लेयर बनाते हैं, ठीक है, नीचे भी प्रोटीन का लेयर रहेगा और इनके बीच में लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट हो गया, ये फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट हो जाएंगे इस तरीके से और यहां सारे टेल पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर होगा वो सैंडविच रहेगा बिटवीन द प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच रहेगा। ये मॉडल बताता है सैंडविच मॉडल, इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, कभी कभी इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, ये याद रखना है। मोस्ट जो हमारा एक्सेप्टेड मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन, जिसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होता है ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा नेचर का होता है, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है भाई, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा, सेमी फ्लूइड, है ना, ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। अब अगर हम लोग सिंगर एंड निकोलसन ने जो प्रपोज किया है मॉडल फ्लूइड मोजाइक का, तो उसमें हम देखेंगे कि लिपिड कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं और थोड़ा बहुत शुगर होता है, कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा और इसमें कुछ इंट्रेंसिक प्रोटीन और कुछ एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन आते हैं, तो इनके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है और ये प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल के अंदर में जो भी ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस, जो भी चीजें हैं सेल के अंदर में, उनके बारे में लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप सेल के ऑर्गेनेल को स्टडी नहीं कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी होने से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिटेल स्टडी कर पाए, हमारे वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी स्टडी किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं एक स्पेशल रेफरेंस देकर के बता रहा हूं, आरबीसी पे मैं बता रहा हूं कि आरबीसी में केमिकल कंपोजिशन आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आरबीसी में केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 52%, ठीक है, और लिपिड जो होता है वो 40% होता है, रिमेनिंग 8% में शुगर और कुछ आयंस, कैल्शियम, ये सारे चीजें पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एंड लिपिड आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कितना परसेंट होते हैं, आरबीसी का मैंने ये बताया है, आरबीसी के बारे में याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई कैसा देता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिपिड का एक लेयर ऊपर है और एक लेयर लिपिड का नीचे है, इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन के पार्ट हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इसके ऊपर से कुछ कुछ प्रोटीन के पार्ट बैठे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ऊपर से कुछ चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये मॉडल जो मैंने प्रपोज किया, ये जो मॉडल प्रपोज किया गया है, सिंगल और निकोलसन के द्वारा मॉडल प्रपोज किया गया है। इसमें यही बताया गया है कि कुछ प्रोटीन का पार्ट या तो पार्शियली या कंप्लीटली इसमें पिंच अप किया हुआ रहता है, इसमें डिप्रेस किया रहता है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और कुछ कुछ प्रोटीन के पार्ट बाहर होते हैं। अब बेसिकली इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन कैरियर का काम करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी और मटेरियल्स, किसी भी सब्सटेंस को जब ट्रांसपोर्ट होना होता है तो वहां पे आप देखोगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैरियर प्रोटीन के तरह ये काम करते हैं। और आप जब इसको इसकी फंक्शन को समझेंगे तो फंक्शन में देखोगे कि जो हमारा प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी दो फंक्शन है। एक फंक्शन इसका हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और सेकंड फंक्शन हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ब्रदर। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, इसको किसी रूल से लेना देना नहीं होता है, ये प्रोसेस नीड बेस्ड होता है। जैसे मान लो कि नेचर में हर चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। इसको मैं एक एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दूंगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। दूसरी पॉइंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का मतलब एटीपी, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड, और यहां पे क्या है भाई, एटीपी रिक्वायर्ड, यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में, यहां पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होगा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम होगा, यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगा। अब आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखो तो ये भी थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक होता है ऑस्मोसिस। तीन तरह के होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जिसमें कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो और एटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो, भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो तो एटीपी की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं होगा, लेकिन ये दो केस में आपको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यहां पे कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सिंपल डिफ्यूजन में, एटीपी तो चाहिए नहीं, कैरियर प्रोटीन इनके लिए चाहिए, ये सोलूट मॉलिक्यूल्स का और ये वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर के मूवमेंट के लिए हम लोग स्पेशल टर्म देते हैं ऑस्मोसिस। तो यहां पे कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड, ये कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और यहां पे कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहां पे कैरियर प्रोटीन भी चाहिए और प्लस एटीपी भी चाहिए, ठीक है।
तो सिंपल डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो लिपिड। लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ये कई बार नेट का क्वेश्चन में मैं देखा हूं कि ये क्वेश्चन आता है। लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर के मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब सुगर का या किसी अदर मॉलिक्यूल्स का, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप, फिर एग्जाम्पल दे सकते हो आप सोडियम आयन का एक्सचेंज होना, सोडियम आयन का अंदर जाना या बाहर आना, पोटेशियम आयन का हो गया, कैल्सियम प्लस टू। तो इन सारे चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, खास करके जो आयनिक मटेरियल होते हैं, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है।